हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एन केमिस्ट्री की पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे 2011 जो है क्वेश्चन आया था, फोर मार्क्स आया था पार्ट सी में। तो इसमें दिया हुआ था कि द करेक्ट आर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ए एंड सी इज। ठीक है, तो ए एंड सी का जो है करेक्ट आर्डर बताना था एसिडिटी का। ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट जो दिया हुआ था ये इस टाइप का कंपाउंड था, फिर बी दिया था, फिर सी दिया था। तो इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो ए दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 मेंबर रिंग दिया हुआ था, और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर दिया है आपका सी एफ थ्री दिया है, और यहाँ पर भी आपका सी एफ थ्री है और सी एफ थ्री, और यहाँ पर भी क्या है आपका सी एफ थ्री है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो था वो कंपाउंड दिया होता, और इसका हमें एसिडिटी चेक करना था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एसिडिटी मतलब क्या होगा, जो एच प्लस यानी प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगा। अब प्रोटॉन कैसे, कौन डोनेट कर सकता है, कहाँ से डोनेट करेगा, तो जब एसिडिक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या आपका डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे जो है वो तो है नहीं, यहाँ पर भी तो कार्बन पे हाइड्रोजन है नहीं, और यहाँ पर भी देखें तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है। तो यानी इस हाइड्रोजन की हमें बात करनी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये सी एफ थ्री इससे अटैच हुआ है, यानी ये सी एफ थ्री जो है यानी ये जो है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि देखो कार्बन पर जो है आपने थ्री एफ लगा दिया, यानी क्लोरीन जो है आप जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो 4.1 होता है, सॉरी 4.0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ क्या करेगा, कार्बन से बहुत ज़्यादा कर लेगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा कार्बन, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो कहेंगे माइनस आई फेड शो करेगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा आपका एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर से अगर देखें तो यहाँ पर सी एफ थ्री लगे हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा इसमें जो है रिंग में देख रहे हैं कि सी एफ थ्री लगा वाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिंग से भी अब्सट्रैक कर लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अब्सट्रैक कर लेता है, और हाइड्रोनियम आयन का क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है H3O प्लस का। और उसके बाद जो है आपका जो माइनस पार्ट होगा वो एनायंस का फॉर्मेशन होगा, जो कार्बन आयन। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है आपका एनायंस जो कार्बन आयन है, यानी यहाँ पर CF3 है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं आपका CF3 है, और यहाँ पर भी क्या है आपका CF3 है, और यहाँ पर भी क्या है आपका CF3 और CF3 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वह उतना ही ज़्यादा कह सकते हैं ये एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका CF3 लगा हुआ है, और ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है यानी माइनस, अब देखो माइनस है तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल कब हो सकता है। देखो किसी भी अगर पार्टिकल पर अगर कोई चार्ज है, यानी चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो हमें उसको कम करना होता है, डिक्रीज करना, यानी चार्ज को हम अगर कम कर दें तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पे लगा हुआ क्या आपका CF3 लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो क्या करेगा इस माइनस को अपनी ओर क्या करेगा अब स्ट्रैक कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ माइनस कम हो जाएगा। दूसरी बात अगर देखें तो यह रिंग के साथ क्या कर रहा है, रिजोनेंस कर रहा है, और रिजोनेंस करने की वजह से कह सकते हैं ये स्टेबल हो रहा है। और दूसरी बात, अगर ये रिजोनेंस कर रहा है तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल अगर देखें तो यहाँ पर 2, 2, 4 एंड 2, 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो 6 पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसका होता है, हकल रूल होता है, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है हकल रूल को फॉलो करता है। अभी जब हकल रूल को फॉलो करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी यह स्टेबल हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एरोमेटाइज्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो एरोमेटाइज्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो एरोमेटिक होने की वजह से क्या करेगा, यह जो होगा यह स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर आ गया कि जो कंसेप्ट हमारा है वो क्या है, ड्यू टू द एरोमेटाइजेशन। ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन होने की वजह से जो होगा वो एसिडिक होगा। अब बी का हम कंपेयरिंग करें तो बी में देखिए आपको साइक्लोप्रोपीन दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ, ये जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड वाला तो एसिडिक होता नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये आपका एच है और एच है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है अगर देखें तो यहाँ से अगर प्रोटॉन ये निकाल दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस अगर आ जा रहा है, ठीक है, तो ये जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा ये रिंग के साथ क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा। देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये रिंग का क्या करेगा, रिंग के साथ रिजोनेंस करेगा। अब रिंग के साथ रिजोनेंस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करेंगे तो सब क्या होंगे। देखिए एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, जनरली हम 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखेंगे, और उसके बाद जो है प्लैनरिटी चेक करते हैं, जिसमें हम अगर देखें तो अगर सभी कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 आ जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, जनरली
प्लेनर होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ भी बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, सभी कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और ये क्या है मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर होगा, जिसकी वजह से रिजोनेंस करेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 2 4 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और उसके बाद रिजोनेंस भी हो रहा है, तो यानी पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकेलाइजेशन हो रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकेलाइजेशन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता है, या 4 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉलो करता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं एंटी एरोमेटिक। इसे क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये अनस्टेबल होता है। कैसा बताइए, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब इसी टाइप से हम क्या करते हैं, हम सी को चेक कर लेते हैं। तो सी जो होगा, अगर देखें तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या है आपका CH3 है, मिथाइल है, मिथाइल है। तो अब पता है कि ये मिथाइल जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट जब शो करेगा तो इसका मतलब क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, रिंग में इंक्रीज कर देगा, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो वाटर से अगर हम रिएक्शन कराते हैं, तो वाटर से अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H+ तो देगा, क्यों, क्योंकि ये जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ये रिजोनेंस तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहीं पर लगा हुआ है आपका मिथाइल ग्रुप यानी CH3, ठीक। और यहाँ पर हम बात करें तो ये भी CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है, और CH3 है, और CH3। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये भी कैसा हो रहा है, एरोमेटाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो एरोमेटाइज्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है एरोमेटाइज, तो यहाँ पर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ 2 4 हो जाएगा, 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। और सभी अगर कार्बन की बात करोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, डीलोकलाइजेशन में होगा, या डीलोकलाइज करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये एरोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि चलो ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि बी जो होगा वो सबसे लेस होगा, ठीक है। तो बी जो होगा वो सबसे लेस इसी में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यही ऑप्शन होने वाला है, यानी थर्ड ऑप्शन होना। फिर भी इसको मैं चेक कर लेते हैं कि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, जो रूल ये फॉलो कर रहा है वो भी फॉलो कर रहा है। लेकिन अब इसमें हमें अगर इसमें कंपेयरिंग करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस चार्ज है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर CF3 दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे इस माइनस के जो चार्जेज होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, वो अपनी अपस्टे करेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल होगा। या दूसरी अगर बात करें यहाँ रिंग से देख रहे हैं तो रिंग में भी क्या है, CF3 लगा हुआ है, यानी ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी बहुत ज़्यादा रिंग जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये रिजोनेंस बहुत ज़्यादा करेगा। रिजोनेंस होने की वजह से हम कह सकते हैं कि यह मोस्ट स्टेबल होगा। इस केस में अगर बात करें तो CH3 Ag+ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर भी प्लस। तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब रिंग में इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिजोनेंस होगा फर्स्ट के कंपेयरिंग में क्या होगा, कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होता है, और एरोमेटिक ही होगा कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं जिसकी वजह से अगर कंपेयरिंग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो इसका माइनस चार्ज होगा वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा, यानी फर्स्ट के कंपेयरिंग में, ठीक। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी जो ए है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, बी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो मतलब चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अगर आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, या फिर आपको लगे कि हमें जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में पढ़ना है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है, तो आप अगर उसका जो है कहेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।